श्रीनगर में आज से G20 की बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में G20 देशों के 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक को लेकर घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो वहीं श्रीनगर में G20 बैठक पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बड़े आतंकी हमले का प्लान तैयार किया है। आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं घाटी में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। तो श्रीनगर में आज से G20 बैठक की शुरुआत होगी। G20 बैठक को लेकर घाटी में खास तैयारियां और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। श्रीनगर की डल झील पर बने शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 की बैठक होगी, जिसमें G20 देशों के 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, MSME और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। उधर कश्मीर आए पर्यटकों ने G20 बैठक को कारोबार के लिए बेहतर बताया। जब टूरिस्ट आता है तो 100 एक्टिविटियां, बिजनेस एक्टिविटियां जुट जाती है। बता दें कि इस साल देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 की बैठकें होनी है। उधर हिंदुस्तान का जन्नत कहे जाने वाले शहर श्रीनगर में G20 की बैठक होने वाली है। हर तरह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और सुरक्षा के महाकवच के बीच महा बैठक होने वाली है। जन्नत की तस्वीर देखने आए देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने भी जन्नत का आनंद उठाया। सुरक्षा के बारे में भी बहुत अच्छा सब इंतजाम है। G20 की बैठक से पहले सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर मौजूद है और आतंकियों को चुनौती दे रहे हैं कि अब ये हिंदुस्तान सहेगा नहीं बल्कि आतंक पर करारा प्रहार करेगा। तो श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर डल लेक तक में हथियारबंद कमांडोज की तैनाती की गई है। और 22 से 24 मई को होने वाली G20 की बैठक को लेकर कश्मीर में हाई अलर्ट है। घाटी में हवा, पानी और जमीन पर NSG मरीन कमांडो की चौकसी नजर आई। भारतीय सेना के साथ ही BSF, CRPF, SSB और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी तैनात किया गया। कोई हमें छू भी नहीं सकता, कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता, कोई आतंकी वारदात किसी कीमत पर कामयाब नहीं हो सकती है। वही ड्रोन से आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए एंटी ड्रोन डिवाइस भी लगाए गए। उधर श्रीनगर में हर तरफ G20 की तैयारी साफ तौर पर देखी जा सकती है और ऐसा लग रहा है कि मानो श्रीनगर मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसी बीच हमारी संवाददाता सबीना तामंग देशमुख ने शहर के एक एक इलाकों का दौरा किया। घाटी में हर तरफ G20 की तैयारी की झलक साफ नजर आई। तरफ से बुलेट प्रूफ बंकर, मरीन कमांडोज, हाईटेक ड्रोन से पैनी निगरानी चप्पे चप्पे पर इस वक्त की जा रही है। एक वक्त था जब श्रीनगर में आतंक का साया नजर आता था, लेकिन अब वक्त बदला है। अब अमन शांति की तस्वीर जमीन पर साफ नजर आ रही है। उधर 370 के खात्मे के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इवेंट श्रीनगर में हो रहा है। अब दुनिया कश्मीर को भारत की नजर से देख रही है और ये बात हिंदुस्तान का एक एक नागरिक भी कह रहा है। दूसरे राज्यों से पहुंच रहे पर्यटक भी श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक से गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, G20 का भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जवानों और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति ने आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंका है। अब घाटी में आतंक नहीं, हर तरफ खुशहाली नजर आती है। इसीलिए G20 बैठक के जरिए कश्मीर से दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देखेगी। उधर जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई। पुंछ में सुरक्षा बल ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध हरकत देखे जाने वाले वहां पर जवानों ने फायरिंग भी की और वहां घेरेबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। वहीं आसपास के इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग की गई, साथ ही कई रास्तों पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा जंगलों में सेना के जवान गश्त करते हुए नजर आए और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद सेना और पुलिस अलर्ट पर हो गई और सुरक्षा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई।